प्रदेश के पर्वतीय जैविक उत्पादों की धाक पूरे देश में रहती है, जिसकी शुद्धता की कसौटी ही उसे खास बनाती है। जहां एक ओर जैविक और ऑर्गेनिक खेती की स्वीकार्यता पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है, वहीं काश्तकारों का अब इस व्यवसाय से मोह भंग होता जा रहा है। प्राकृतिक संपदायों से लबरेज कुमाऊं मंडल के नैनीताल जनपद में काश्तकार को नाशपाती के सही दाम तक नहीं मिल पा रहे हैं। बीते कई सालों से नाशपाती के दाम वही पुराने हैं, जबकि ढुलान और लागत हर साल बढ़ रही है, जिससे काश्तकार इस व्यवसाय को घाटे का सौदा बता रहे हैं। साथ ही उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति की भी चिंता सता रही है। जहां एक ओर सरकार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर काश्तकार अनदेखी से इस पैसे से मुंह मोड़ रहे हैं। ये क्षेत्र आता है आपके मुक्तेश्वर रामगढ़ ब्लॉक है इसका। यहाँ नजदीक में जो है गांव शूपी, सुंदिया, सदुमा और जाना चोली गैना, ये गांव आते हैं। यहाँ पर सेब और नाशपाती की बगीचे हैं लोगों के पास। नाशपाती कम होने के बावजूद भी रेट में बहुत कम बिक रही। क्या रेट बिक रहा है मात्र? तो एक पेटी जो है आपके 17-18 किलो की होती है, वो बिक रही है 400 भी, 500 भी। पहले क्या रेट बिकते थे? पहले भी यही रेट जाती थी। अच्छा, अभी भी कम होने के बावजूद भी यही रेट है। सप्लाई कहाँ कहाँ है इसकी? इसकी सप्लाई हम हल्द्वानी मंडी में भेजते हैं इसको। मंडी से भी इधर उधर जाता है। तो क्या खर्चा ज़्यादा आता है क्या उसको ढुलान में? ढुलान में 100 रुपया घोड़ा का किराया है और पेटी की कीमत 100 रुपये मान के चलिए आप, और गाड़ी का किराया हो गया। अच्छा, इसमें फिर व्यापारी बनिए का वो हो गया कमीशन।